नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप मैथ्स और रीजनिंग के सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। हो दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंपल तरीका दोस्तों बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान तरीका। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 150 है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों स्प्रिंग का संबंध स्पाइरल से है, उसी प्रकार से दोस्तों चूड़ी का संबंध यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है किससे होगा। यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं विकल्पों में से आपको बताना है। तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका होता है, बहुत आसान तरीका। कैसे सॉल्व किया जाता है, आप ऐसे नहीं देखेंगे स्प्रिंग स्पाइरल चूड़ी। चूड़ी आप सोचेंगे कांच का भी बनता है, चूड़ी चक्र जैसे भी होता है, आभूषण के भी चूड़ी बनते हैं दोस्तों, सोना का भी चूड़ी बनता है, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे सोचेंगे तो यहां पर तो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इसको सही आंसर देना है ना दोस्तों, तो इसको एक अलग तरीके से सोचा जाता है। कैसे सोचा जाता है मैं आपको बता रहा हूं, कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, स्प्रिंग तो आप देखे होंगे, स्पाइरल, स्पाइरल मतलब दोस्तों क्या होता है, सर्पिलाकार। स्प्रिंग की बनावट कैसी होती है दोस्तों, स्प्रिंग जो होता है इसकी बनावट होती है सर्पिलाकार। कैसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है स्प्रिंग की बनावट, ऐसे होते हैं ना, देखे भी होंगे आप लोग स्प्रिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से स्प्रिंग की बनावट होती है, सर्पिलाकार होता है, यानी कि ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये स्प्रिंग की दोस्तों आकृति को बता रहा है, ये आकृति की मतलब ढांचा को बता रहा है। स्प्रिंग होता कैसा है, सर्पिलाकार होता है, यानी स्पाइरल की तरह होता है, ये बता रहा है। तो चूड़ी दोस्तों कैसे होते हैं बताइए, चूड़ी कैसे होता है, सर्कल की तरह होता है, गोल होता है दोस्तों, चक्र की तरह होता है। आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, चक्र। चक्र मतलब क्या, सर्कल, गोला। चूड़ी कैसा होता है दोस्तों, आप देखे होंगे चूड़ी गोल होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, चक्र की तरह होता है। आकृति क्या होती है दोस्तों इसकी, चक्र की तरह होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए, प्रश्न जैसे पूछता है दोस्तों वैसे ही आंसर भी दिया जाता है। कहने का मतलब है, पहले का संबंध जैसे दूसरे से बताया है ना, स्प्रिंग सर्पिलाकार यानी स्पाइरल की तरह होता है, इसकी आकृति बता रहे हैं दोस्तों, तो चूड़ी की आकृति क्या होती है, चक्र की तरह होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सिंपल तरीका दोस्तों बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह है कहां, देखिए प्रश्न चिन्ह यहां पे है, यहां पे ना, यहां पे पूछ रहे क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, पहले तो श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला कैसे चल रही है। तो देखिए, 7 है, 7 के बाद क्या है दोस्तों, 10, 10 के बाद 124, 124 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद 1330, 1330 के बाद क्या है दोस्तों, 170 है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर ये क्रम से दोस्तों संख्याएं बढ़ता तो हम आंसर दे सकते थे, लेकिन देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में 170 हो गया, कम हो गया, तो इसको हम अलग तरीके से सोचेंगे, अलग तरीके से। जब ये क्रम से आगे बढ़ता तो हम गैप देख लेते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 170 हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग तरीके से सोचेंगे। अलग तरीके से कैसे सोचना है, आप देखिए दोस्तों, क्या संख्या है, स्क्वायर या क्यूब के करीब है क्या। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दोस्तों जो 7 है ये 8 के करीब है, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 2 का क्यूब घन क्या होता है, 8 होता है। 8 में से दोस्तों 1 कम कर देंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। ये 10 है ना दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये 3 के स्क्वायर, 3 का
वर्ग मतलब 3 × 3, 3 × 9 प्लस 1 है, ये 10 है। समझ में आया कि नहीं? ये देखिए 124 है ना, ये क्या है दोस्तों, ये आपका 5³ - 1 है। 5³ का मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 25 = 125, 125 में से एक कम करेंगे 124 होगा। समझ में आया? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, पहले क्या किया है दोस्तों, 2³ - 1, उसके बाद से 3² किया है प्लस 1 किया, फिर 5³ किया है दोस्तों, 5³ किया है माइनस 1 किया है। अब आगे दोस्तों यहां पे क्या होगा दोस्तों, 7² होगा और क्या होगा प्लस 1, स्क्वायर के साथ क्या लग रहा है दोस्तों प्लस 1 और क्यूब के साथ माइनस 1, तो 7² दोस्तों 49 होगा, 49 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 50 होगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा 50 होगा। आगे भी थोड़ा सा देखिएगा, ये 1330 है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये 11 का क्यूब माइनस 1 है, 11 का क्यूब 1331 होता है, इसमें से एक कम करेंगे 1330 होगा। अब देखिए यहाँ पे 170 है ना, ये 170 क्या है दोस्तों, ये देखिए ये 13 का दोस्तों स्क्वायर है और प्लस 1 है, 13 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 169, 169 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 170 होगा। समझ में आया? प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा 50 होगा। अब थोड़ा सा नीचे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 2 है 3 है 5 है 7 है 9 नहीं है, इसमें 11 है 13 है, 9 क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको दोस्तों बता दूं। देखिए ये जो संख्याओं का जो श्रृंखला का स्क्वायर चल रहा है, क्यूब चल रहा है ना, ये क्यूब और स्क्वायर चल रहा है, प्लस 1 प्लस माइनस 1 ऐसे हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का नीचे श्रृंखला चल रहा है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 1 से कटती और स्वयं से कटती है। यहां पे अगर 9 होता तो दोस्तों वो क्या होता, 9 बीच में होता तो वो क्या होती, 3 से भी कटती, 1 से भी कटती, स्वयं से भी कटती, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यहां पे क्या चला है दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला चला है, ठीक है। इसीलिए 2 3 5 7 5 7, उसके बाद से क्या है 11 13, इस प्रकार से चला है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आंसर आपका क्या होगा 50 होगा। 50 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर एक विशेष कोड भाषा में तंजोर TANJORE को WDQMRUH के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मदुरै के लिए क्या कोड होगा, मदुरै का कोड पूछ रहा है। देखिए अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ जो देखिए तंजोर लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है तंजोर TANJORE को क्या लिखा है दोस्तों WDQMRUH, तो आप देखिए दोस्तों ये कैसे लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों मदुरै के लिए भी लिखेंगे। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप पहले देखिए पहला तंजोर में क्या स्पेलिंग है, टी है, देखिए क्या है दोस्तों यहाँ पे टी है, टी को क्या लिखा है दोस्तों डब्लू लिखा है, यानी कि यू और भी छोड़ दिया है, टी के बाद क्या आता है यू आता है, उसके बाद भी आता है, उसके बाद ना डब्लू आता है, तो दो अक्षरों का क्या कर लिया गैप ले लिया, तीसरा लिख दिया। ए के बाद दोस्तों क्या आता है बी सी आता है, बी सी को छोड़ के देखिए डी लिखा है, दो अक्षरों का यहां पे भी गैप लिया है। एन के बाद ओ पी आता है दोस्तों क्यू लिख दिया, जे के बाद के एल आता है एम लिख दिया, ओ के बाद पी क्यू आता है आर लिखा है, R के बाद ST आता है U लिखा है, E के बाद FG आता है H लिखा है, यानी हो क्या रहा है दोस्तों यहाँ पे दो दो अक्षरों का गैप हो रहा है, तो उसी प्रकार से हम मदुरै के लिए भी क्या करेंगे दोस्तों दो दो अक्षरों का गैप लेंगे। तो चलिए दो दो अक्षर का गैप लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। M के बाद दोस्तों क्या आएगा NO आएगा, तो NO को छोड़ देंगे P लिखेंगे, A के बाद दोस्तों क्या आता है BC आता है, BC को छोड़ देंगे और हम लिखेंगे D, दो अक्षरों का गैप लेना है ध्यान दीजिएगा। डी के बाद दोस्तों ई एफ आता है, तो ई एफ को छोड़ देंगे लिखेंगे जी, यू के बाद दोस्तों क्या आता है यू के बाद वी डब्ल्यू आता है, तो वी डब्ल्यू को छोड़ के लिखेंगे एक्स,
आर के बाद दोस्तों क्या आता है, आर एस टी यू, देखिएगा आर के बाद आता है एस टी, लिखेंगे क्या दोस्तों हम यू लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। ए को क्या लिखेंगे, बी सी छोड़ के डी लिखेंगे, आई को क्या लिखेंगे, जे के छोड़ के एल लिखेंगे। तो देखिए पी डी जी एक्स, देखिएगा पी डी जी एक्स यू डी एल किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है पी डी जी एक्स यू डी एल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर लास्ट में कर दीजिएगा जब वीडियो एंड होगा तो, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बिना फॉर्मूले के सॉल्व करके बताऊंगा, बहुत आसान तरीका, आप बिना फॉर्मूले से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी बोलेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में, इस क्लॉक से रिलेटेड जो घड़ी से संबंधित प्रश्न होते हैं फॉर्मूला और जो बिना फॉर्मूले सॉल्व होते हैं दोनों तरीका से बता दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको समझिए, पहले बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बिना पेन उठाए सॉल्व करने वाला, फॉर्मूला में तो आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, देखिए समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों 8:50 के, देखिएगा 8:50 हो रहा है तो घंटे और मिनट के जो सुई होती है ना दोस्तों उसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो पूछ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ पे मैं आपको एक फिगर बना के समझा देता हूँ, जब समझ लेंगे तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। घड़ी कैसे होती है, इस प्रकार से होता है, डिजिटल घड़ी नहीं, ये वाली घड़ी एनालॉग जो घड़ी होती है, ये वाली डिजिटल नहीं, ये वाली देखिएगा जो सुई वाली होती है, देखिए ऐसे होता है, इसमें हम यहाँ पे कर लेते हैं 12, 3, ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 9, ठीक है, फिर 1, 2, 3 हो गया है, 4, 5, 6 हो गया है, 7, 8, 9 हो गया है, 10, 11, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, 8:50, तो हम 8:50 कर दे रहे हैं, देखिएगा 50 मिनट हो रहा है तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी दोस्तों, 10 पे होगी, समझ में आया कि नहीं, ये कहाँ पे होगी दोस्तों, यहाँ पे होगी ना, 10 पे होगी। घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 8 पे होगी, नहीं 8 और 9 के बीच में होगी, क्योंकि 8:50 हो रहा है दोस्तों, ये 9 के करीब जा रही है, जब 9 बज जाएगा 10 मिनट में तो ये 9 पे हो जाती, तो ये मिनट वाली सुई दोस्तों कहाँ होगी दोस्तों, यहाँ पे होगी, इस साइड पे होगी, समझ में आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये जो दोस्तों है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर जो घड़ी में दोस्तों 3 बज रहा है तो कितने डिग्री का एंगल होगा दोस्तों, 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक यानी कितने दोस्तों, देखिए 3 बज रहा है तो 90 डिग्री, यानी कि 3 घंटे में दोस्तों क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 घंटे में दोस्तों क्या होगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, 60 मिनट में दोस्तों क्या हो रहा है, 60 मिनट में कह लीजिए दोस्तों 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में दोस्तों क्या होगा, 1 मिनट में बताइएगा, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, आधा डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का दोस्तों, आधा डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा ना। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये बात समझ गए होंगे तो 1 घंटे में दोस्तों क्या होता है, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 3 घंटे में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये सब तो आपको पता है। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 मिनट में क्या होगा, आधे डिग्री का, क्योंकि 60 मिनट में दोस्तों जब 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 मिनट में क्या होगा, आधे डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए जब ये चीज समझ गए तो आपके लिए प्रश्न सिंपल हो गया। अब देखिए 8 से 10 अगर घड़ी की सुई मान लेते हैं, यहाँ पे 8 से 10 के बीच होती, देखिएगा एक 8 पे होता, एक 10 पे होता, तो यानी कि क्या होता दोस्तों, इनके बीच कितने घंटे का, यहाँ पे देखिएगा 8 से 10 के बीच में होता, देखिएगा ये कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ पे होती है और घंटे वाली सुई 10 पे है, तो कितने डिग्री का इनके बीच कोण बनता दोस्तों, 30-30, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बनता कि नहीं बताइएगा, 60 डिग्री का कोण बनता, ये आपको पता है कि नहीं, 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी दो जो सुइयों के बीच की दूरी होगी यहां से यहां तक की, समझ रहे हैं कि नहीं, कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, लेकिन यहां पे क्या कर किया क्या है दोस्तों, जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 50 मिनट चल चुकी है, जब 50 मिनट चल चुकी है तो 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों, 50 मिनट में ये 25 डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप क्या करिए उसमें से 50 मिनट घटा लीजिए, यानी कि 50 मिनट कहने का मतलब है 25 डिग्री घटा लीजिए, 60 में से दोस्तों 25 डिग्री घटा लेंगे, आंसर क्या होगा दोस्तों, 35 डिग्री, या
यानी 8:50 पे क्या होगा दोस्तों, 35 डिग्री का कोण बनेगा। 35 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है, 8:50 बोल रहा है तो आपके दिमाग में दोस्तों आ जाएगा यानी कि दोनों सुइयों के बीच क्या होगा, यहां पे 2 घंटे का गैप आ रहा है, सुइयों के जो बीच की दूरी बता रहे हैं, तो 2 घंटे में क्या होगा दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये 50 मिनट इसमें से घटा लीजिए, 50 मिनट का मतलब होता है 25 डिग्री इसमें से माइनस कर लीजिए, 25 डिग्री जब माइनस कर लेंगे तो दोस्तों 60 में से 25 घटाएंगे क्या होगा, 35 डिग्री का कोण बनेगा। बस बिना पेन उठाए आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, बस इतना ही किया जाता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाइएगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वहां मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और वहां पे दोस्तों मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूं, इसलिए दोस्तों उस चैनल से आप जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंपल तरीका, सेकंडों में आंसर दिया जाता है ऐसे प्रश्नों को, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो मैं समझा रहा हूं वो चीज समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछा गया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज क्या होती है, तो पता है ना तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, जैसे इस प्रकार से जो इमेज बनेगा, यानी देखिए एक भुजा, दो भुजा, ये तीसरी भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, ये तो पता हो गया। तो कितने त्रिभुज है, तो देखिए सिंपल तरीका है काउंट करने का, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया जाता है, ठीक है। देखिए ज्यादा फॉर्मूला वाला जो होता है भी मैं आपको बताऊं, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ओरल काउंट करेंगे। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हैं दोस्तों, अभी एक एक वाले काउंट किए हैं, कितने हैं 10 हैं, कितने हैं दोस्तों 10 हैं, समझ में आया। ये देखिए एक एक को मिला के कितने हो गया दोस्तों, 10 हो गया। अब यहां से देखिएगा दो दो को मिला के यहां से भी होगा, यहां से क्या होगा दोस्तों, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, बन रहा है कि नहीं, एक यहां से हो जाएगा, इसी प्रकार से एक यहां से भी हो जाएगा, देखिए ऐसे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा, एक यहां से भी हो जाएगा, एक यहां से भी, देखिए एक यहां से भी हो जाएगा दोस्तों, यहां से भी हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना, यहां से भी देखिएगा, यहां से भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो बन रहा है ये वाला जो फिगर बनेगा, ये वाला, समझ में आ रहा है, ये वाला एक हो जाएगा यहां से, यानी कि कितने हो रहे हैं। अब यहां काउंट करिएगा, 10 हुआ था ना, देखिए एक यहां से हो गया 11, यहां से 12, यहां से 13, यहां से 14, कितने हो गए दोस्तों, 14 हो गए। और एक त्रिभुज दोस्तों कौन होगा, एक त्रिभुज आपका मैं बता दूं दोस्तों, देखिएगा एक त्रिभुज ये वाला होगा, ये जिसके अंदर सभी त्रिभुज बन रहे हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मिला के कितना हो गया दोस्तों, 14, 1, 15, यानी टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 15 त्रिभुज हैं। देखिए 15 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप ऐसे ही काउंट कर लेंगे ऐसे त्रिभुजों को। अगर इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों देखेंगे तो फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे आप ओरल काउंट कर सकते हैं, और इसका आंसर क्या होगा, 15। और मैं उम्मीद करता हूं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप जरूर याद रखिएगा कैसे काउंट किया जाता है। यह देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये आपका ये टेस्ट का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है, यानी आज का प्रश्न है। इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, रीजनिंग का पार्ट नंबर 149 देख लेंगे, पार्ट नंबर 149 का क्वेश्चन नंबर पांचवा है। पार्ट नंबर 149 में दोस्तों इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 149 आपको मिलेगा कहां से, इसका लिंक दोस्तों यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया दोस्तों, यहां आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 149 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है,
आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का दोस्तों कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए हमसे ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।